हेलो एवरीवन, क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि टाउन हॉल 15 का मैक्स राउट मोनोलिथ कितना डेंजरस हो सकता है? वेल, तुम्हारे लिए नहीं पर तुम्हारे ओपोनेंट के लिए, और यही बात मैं आज की इस वीडियो में तुम सबको दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं डेली क्लैश ऑफ क्लैंस की कोई ना कोई वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज की वीडियो में तुम मेरे टाउन हॉल 15 अकाउंट के दो डिफेंसेस देखोगे, जिसमें तुम देखोगे कि कैसे मोनोलिथ ने मेरे बेस को बड़े अच्छे तरीके से बचाया था। तो पहले अटैक में तुम देख सकते हो कि ये जो बंदा आया था, ये पूरी ड्रैगन आर्मी लेकर आया था, और इसके ड्रैगन्स मैक्स नहीं थे लेकिन बलून्स मैक्स थे। और हीरोज़ पर नज़र डाले तो 80 लेवल का किंग था, 85 की क्वीन थी, 58 का वार्डन और 33 की रॉयल चैम्पियन थी। तो तुम देख सकते हो कि इसने मेरे मोनोलिथ को अच्छे से फ्रीज कर दिया था। जो ड्रैगन्स बच रहे थे लेकिन जल्दी स्पेल का असर ख़त्म हो गया, और ताजुब की बात है इसने फिर से जमाने में थोड़ी देर कर दी, और ईगल खुल चुका था और ईगल ने एक ड्रैगन को उड़ा दिया, और ईगल इधर उड़ चुका है ड्रैगन ने एक बलून की मदद से। तुम जैसा कि इधर देख सकते हो कि मोनोलिथ बहुत ही कम एचपी पे बच गया था, और जो बिल्डर्स थे अच्छा काम कर रहे थे, दो बिल्डर मिलकर मोनोलिथ की हेल्थ फुल कर रहे थे, लेकिन उस चक्कर में टाउन हॉल को भूल गए, टाउन हॉल की हेल्थ फुल नहीं की। अगर दो बिल्डर टाउन हॉल पर ध्यान देते तो किंग ये टाउन हॉल ऐसे निकाल नहीं पाता, और अभी किंग की एबिलिटी नहीं मारनी चाहिए थी, क्योंकि टाउन हॉल में पॉइजन में किंग के सारे बच्चे भी मर गए, और मोनोलिथ तो था ही किंग को उड़ाने के लिए। बट मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा था, जैसे आर्चर क्वीन अकेली पड़ चुकी है, एक जो ड्रैगन ने ये एयर डिफेंस इसको आराम से उड़ा देगा। और इस तरफ देखो, अभी बेस में सिर्फ आर्चर क्वीन बाकी है, और इस तरफ एक स्कैटर शॉट है, और आर्चर टॉर को नहीं गिनते हैं, और एनिमी मेरी आरसी है, और इस तरफ मल्टी इन्फर्नो है। सिंगल होता तो तब आर्चर क्वीन को दिक्कत दे सकता था, और इस तरफ मोनोलिथ बाकी है। तो देखते हैं आर्चर क्वीन क्या है इस बेस को, अभी भी एक मिनट बाकी है, निकाल पाती है या फिर नहीं। आर्चर क्वीन की एबिलिटी भी है, अपोनेंट के पास 3 फ्रीज पर है। आर्चर क्वीन की एबिलिटी गई एनिमी आरसी को निकालने के लिए, और अपोनेंट के पास ये जो स्टोन स्लैमर भी है मैक्स लेवल का। मुझे नहीं पता इसने अब तक स्टोन स्लैमर को डिप्लॉय क्यों नहीं किया है। और आर्चर क्वीन मारा जा रही है, एक कैनन है, आर्चर क्वीन बाहर की तरफ आ रही है। ओके, अब कैनन पर गई है, मल्टी इन्फर्नो ने हीलर्स को पकड़ लिया है, और हील थोड़ा इस तरफ आओ, थोड़ा और इस तरफ आओ। हाँ, एक काला बम निकला, इधर मैंने काला बम सेट करके रखा था, और दो दो छोटे छोटे बम भी थे, लेकिन आर्चर क्वीन को उससे दिक्कत नहीं पड़ी, क्योंकि 85 की क्वीन है। अब देखो, क्वीन के पास एबिलिटी नहीं है, इसके पास 3 स्पेल है अभी तक, इसने टाइम भी बहुत था, लेकिन इसने अभी तक ये क्या स्टोन समय को डिप्लो नहीं किया था। क्या ये सीज मशीन स्वैग मानना चाहता था? देखो, मोहित ने मारना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, और ये छठे में आर्चर क्वीन गई। तो मोनोलिथ ने 97% पे इस स्पेस को रोक दिया। और मेरे टाउन हॉल डिफेंस सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट भी है, अगर चाहो तो चेक कर लेना, आई बटन पे दे दूंगा। और ये हमारा दूसरा अटैक है, और इस अटैक में देख सकते हो कि इसने भी ड्रैगन आर्मी लेकर आया था, और लगभग बूस्ट मार के सारी मैक्स करके आया था, लेकिन हीरोज उतने मैक्स आउट नहीं थे। और जिस टाइम पर इसने अटैक किया था उस टाइम पर मेरा एयर डिफेंस एक कंस्ट्रक्शन पर था, और बाकी दो इसने लाइटनिंग के साथ उड़ा दिए थे, लेकिन दो सिंगल इन्फर्नो रखे हुए थे। और तुम जानते हो कि ड्रैगन आर्मी में ड्रैगन्स के सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन है? एक तो एयर डिफेंस और एक सिंगल इन्फर्नो। देखो, सिंगल इन्फर्नो तो ड्रैगन को जीने नहीं देगा। और इस तरफ से जो ग्राउंड एग्स वो रेस स्पेल के अंदर एनिमी हीरोज को खींच खींच के मारेगा। ऊपर से मोनोलिथ को इसने जमा दिया है, क्योंकि अच्छा काम किया है। नीचे से एक और मैक्स लेवल का स्टोन स्लैमर आ चुका है, देखते मोनोलिथ किसको टारगेट करता है। लो, मोनोलिथ ने एक ड्रैगन को उड़ा दिया, दूसरे ड्रैगन को उड़ा दिया, और ये वार्डन 1, 2, 3, 4 वार्डन थोड़े से के लिए बच गया, नहीं तो वार्डन में उड़ जाता मोनोलिथ की वजह से। ये देखो, आर्चर क्वीन के पास एबिलिटी है नहीं, क्या आर्चर क्वीन मोनोलिथ उड़ा पाएगा? एक और हिट थोड़ा सा रह गया, अगर पीछे ये घोड़ा नहीं होता तो आर्चर क्वीन मोनोलिथ के हाथों ही शहीद हो जाती। तो स्केटन्स भी निकल चुका है, स्केटन्स थोड़े पहले निकल जाते तो मज़ा आता। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, स्केटन्स को थोड़ा और आगे कर दूंगा। लो, आर्चर क्वीन तो फिर भी मर गई, सिंगल इन्फर्नो था, इस तरफ से वार्डन अभी भी जिंदा है, और घोड़ा, लो सिंगल इन्फर्नो में घोड़ा भी निकल गया। और इस तरफ से सिर्फ इलेक्ट्रो ड्रैगन बाकी, और एक मैक्सिमम का ड्रैगन बाकी, और वार्डन बहुत ही लो एचपी पे बचा हुआ है। अरे, ये क्या, ये स्टोरेज को कौन मार रहा है? डिगी भाई, ये डिगी कितने लेवल का है? एक लेवल का डिगी अब तक जिंदा है, अब तक नहीं मरा, और बाकी जो मैक्स लेवल के पेट्स थे वो सारे मर गए।
भाई ताज्जुब की बात है, एक लेवल का डिगी अब तक नहीं मरा, देखते हैं कब तक जिंदा रहता है। बहुत ही लो एचपी पे वार्डन और इलेक्ट्रो ड्रैगन जिंदा है, डिगी अपना काम करता जा रहा है और सिंगल इन्फर्नो देखते कब पकड़ता है। और ये इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल गया, अब सिर्फ वार्डन के हाथ में है, क्या वार्डन ने इस बेस को निकाल पाएगा? लो डिगी भी मर गया, वार्डन अब किस तरफ जाएगा? बहुत ही लो एचपी पे है, एक अटैक खाएगा और वार्डन गया, एक अटैक किसके हाथों खाएगा? और इन्फर्नो के हाथों। तो ये भी देख सकते हो ये बेस 94% पे अटक गया। और इसी तरह आज की वीडियो भी यही ख़त्म होती है, मैं मिलूंगा तुम लोगों से फिर कल क्लैश ऑफ क्लैंस की एक और नई वीडियो में।